मंत्री जी जाइए और हार लेकर आइए। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान का बेटा, सुखी का बेटा, आपके हाथ में गुरुदेव आपकी बड़ी अपवाद देता है। मैं तो यही व्यक्त चिंता करता रहा इतनी गले लगाए आगे की विवाह की रस्मों को संपन्न करें और हमें आपने मुझे मौका दिया है इस सुख सफलता के लिए। आपने कौन सा समय निकाला है? आपके आशीर्वाद से बिना ये कैसे संभव हो सकता है? गुरुदेव आपको यही बोलना पड़ेगा और बच्चों को आशीर्वाद देना पड़ेगा। गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा है। मंत्री जी बरात की खातर जारी की जाए और खानसाना जितने से पानी से सामान मंगाए गए जल्दी जाओ मंत्री जी जल्दी जाओ। आप अभी तक खड़े हो और खाने पीने का सब सामान हाजिर है। आपको रास्ते में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं सब कुछ अच्छा था। हर चीज की व्यवस्था थी।
आपको भी महाराज बहुत बहुत बधाई हो। मंत्री जी सब व्रत का खैर अच्छी तरह कीजिए। मंत्री जी जल्दी दीजिए, इधर भी दीजिए, लीजिए लीजिए मंत्री जी लीजिए। ये सारा सामान पांचों कैंटर से आया है, ये हमने करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। देखो पिछले जमाने किस तरह पड़ा से स्वागत होते थी, बहुत ही सुंदर सीन है। हर तरह का प्रबंध किया गया है, सारे विद्यार्थी बड़े खुश नजर आ रहे हैं भोजन करके। महाराज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। सारे कह रहे हैं जो सीता मैया को डाले गए हैं ये पमण वर्मा जी ने भेजे हैं। और इसकी सारी खुशी जो है वो सहकता अपना रहे हैं। मंत्री जी ये कटिए मंत्री जी, रात की अच्छी तरह खबरदारी करना। जो हुक्म महाराज केंद्र जो जय हो। कोई नहीं कोई नहीं बच्चा आपको सफर की तकलीफ जरूर हुई होगी बेटा, मैं देखते ही हो गए। तुम्हारी माताओं का क्या हाल है? ऐसी आदत में है मुझे तुम्हारी याद करती है। मेरे धन्य भाग है जो आपने इस गरीब थाने को अपने चरणों से पवित्र किया। मेरे दिल को जीत लिया है और परमेश्वर की बड़ी कृपा हुई। परमेश्वर की बड़ी कृपा हुई जो आप ये चरणों में मेरे निवास को पवित्र कर दिया। ये आपकी नाराजी है बल्कि दशरथ खास से आपका हुआ। महाराज
आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? आपके मुकाबले मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करता। मेरे लिए आपकी बहुत इज्जत है, ये तो आपका बड़प्पन है हमारे लिए। मंत्री जी, कोई भूखा और पैसा ना रह जाए, इनकी खातरदार निवाजी में कोई कमी ना रहने पाए।